अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 13th एपिसोड। और इस एपिसोड में हम जर्मन शेपर्ड वर्सेस बीगल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, बीगल का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। ये डॉग ब्रीड बहुत ही पुरानी है और ये डॉग्स हाउंड टाइप के होते हैं। बीगल को इंग्लैंड, फ्रांस और वेल्स के पैदल चलने वाले शिकारी इन डॉग्स को झुंड में एक साथ ले जाकर रैबिट, वाइल्ड पिग और जैकल की शिकार करने इस्तेमाल करते थे। और आज हम जो बीगल घर में पालते हैं वो डॉग्स 19th सेंचुरी में डेवलप हुए थे, लेकिन आज भी वेल्स और इंग्लैंड में कुछ लोग बीगल्स को झुंड में एक साथ ले जाकर शिकार करते हैं। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इस डॉग ब्रीड को मैक्स वैन स्टेपनीज ने पहले ब्रीड किया था। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन, बीगल डॉग स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड है। इनको आप छोटे घर में आसानी से रख सकते हैं। बीगल डॉग्स छोटे एनिमल और छोटे बच्चों के साथ बहुत ही लवेबल होते हैं। अगर आपको छोटा और एनर्जेटिक डॉग चाहिए तो ये डॉग चॉइस आपके लिए बहुत ही अच्छी है। बीगल बहुत ही सोशल डॉग ब्रीड हैं और इनको फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। बीगल डॉग्स बहुत ही एनर्जेटिक और शरारती होते हैं। अगर आपने इनको घर में अकेला छोड़ा तो ये हॉलिंग करते हैं या फिर घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीगल डॉग्स एक्टिव होने के कारण इनको बाहर घूमना बहुत पसंद है, तो आप इनको डेली 30 मिनट्स तक घुमाने ले जाइए। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की पॉपुलर डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ओनर के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं और स्ट्रेंजर के सामने बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये डॉग्स अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, लेकिन इनको बचपन से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनको छोटे बच्चों के साथ और दूसरे डॉग के साथ बचपन से ही घुल मिल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग अच्छे गार्ड डॉग और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग, बीगल डॉग्स लेमन वाइट, ट्राई कलर, वाइट एंड टैन, चॉकलेट ट्राई, वाइट एंड चॉकलेट, रेड विटन और ऑरेंज एंड वाइट कलर्स में पाए जाते हैं। बीगल डॉग्स का शॉर्ट कट होने के कारण इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना आसान है, और इनका शेडिंग सीजन 8th और 9th मंथ्स में आता है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर कलर्स में पाए जाते हैं, और इनका कोट लॉन्ग होता है, इस वजह से इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। जर्मन शेफर्ड का शेडिंग सीजन 6 और 8 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, बीगल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 14,000 to 20,000 तक होता है। जर्मन शेफर्ड का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000 to 25,000 तक होता है। हाइट, बीगल की एवरेज हाइट 13 to 16 इंचेस होती है। जर्मन शेफर्ड की एवरेज हाइट 22 to 26 इंचेस होती है। वेट, बीगल का एवरेज वेट 10 to 12 केजी तक होता है। जर्मन शेफर्ड का एवरेज वेट 25 to 40 केजी तक होता है। लीटर साइज, बीगल की लीटर साइज एवरेज 4 to 10 पपीज तक होती है। जर्मन शेफर्ड की लीटर साइज 6 to 10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, बीगल डॉग का लाइफ स्पैन 12 to 15 ईयर्स तक होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का लाइफ स्पैन 10 to 13 ईयर्स तक होता है। प्राइस, बीगल के एवरेज प्राइस 8,000 से लेके 19,000 तक है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस 10,000 से लेके 22,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 13th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से फैमिली डॉग को चूज़ किया या गार्ड डॉग को, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।